रेशम का संसाधन। इस वीडियो में रेशम और उसके प्रकार, रेशम कीट पालन और उसका जीवन चक्र, रेशम का संसाधन, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। अरे वाह सवाली, तुम्हारा ये रुमाल तो कितना मुलायम है। हाँ खोजी, ये मुलायम भी है और सुंदर भी। मेरे पापा मेरे लिए शहर से इसे लाए थे। अरे कोई मुझे भी तो दिखाओ, मुझे भी देखना है सवाली सुंदर रुमाल। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते मेरे बाल वैज्ञानिकों। लीजिए दीदी, आप भी देखिए मेरा रुमाल। ये तो सच में ही बहुत सुंदर और मुलायम है। जानते हो बच्चों, ये एक रेशमी रुमाल है। रेशमी रुमाल? सच्ची दीदी? हाँ खोजी, याद है ना मैंने बताया था कि रेशम के कीड़ों से हमें रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। उन्हीं रेशों से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। रेशम से बने वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत और चमकीले होते हैं। पता है बच्चों, रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था और आज भी सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन में ही होता है। अरे वाह, एक और रोचक बात पता चल गई। दीदी आपने हमें ये तो बता दिया है कि भेड़ के बालों से ऊन कैसे बनती है, अब ये भी बता दीजिए ना कि रेशम के कीड़े से रेशम कैसे मिलता है। जैसे भेड़ के शरीर पर उगे बालों से ऊन मिलती है, क्या वैसे ही रेशम के कीड़े के शरीर पर भी रेशम उगती है? अरे नहीं खोजी, रेशम तो कोकून से प्राप्त की जाती है। अब ये कोकून क्या है दीदी? चलो मेरे साथ, तुम सबको कुछ दिखाती हूँ जिससे तुम सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बच्चों इस शहतूत के पेड़ को ध्यान से देखो। इस पेड़ के पत्तों पर तुम सबको कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दीदी, कुछ कीड़े दिख रहे हैं। बच्चों यही तो रेशम के कीड़े हैं। हैं? सच्ची दीदी? हाँ सवाली, और ये जो सफेद अंडाकार संरचनाएं दिख रही है ना, ये कोकून है। ये कीड़े इसका निर्माण करते हैं और इसी से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। दीदी ये रेशम के कीड़े क्या बाकी पेड़ों पर भी पाए जाते हैं? अच्छा सवाल है खोजी, आओ सब वहाँ बैठ जाओ, बाकी सब बताती हूँ। अब बताइए दीदी। बच्चों रेशम एक प्राकृतिक रेशा है और ये दो प्रकार का होता है, एक शहतूती रेशम और दूसरा गैर शहतूती रेशम। दोनों में क्या अंतर है दीदी? रेशम कीट की एक प्रजाति ऐसी होती है जो शहतूत पेड़ की पत्तियां खाती हैं। इन कीटों से मिलने वाले रेशम को शहतूती रेशम यानी मलबरी रेशम कहते हैं। ये चमकदार और लचीला होता है और इसे अलग अलग रंगों में भी रंगा जा सकता है। इस रेशम को प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों की खेती की जाती है। कहाँ पर होती है इनकी खेती दीदी? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तराखंड में इसका उत्पादन किया जाता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 92% है। गैर शहतूत रेशम प्रजाति के कीड़े कौन से पेड़ों के पत्ते खाते हैं दीदी? वे अर्जुन, साजा तथा साल पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। एरी, मूगा तथा कोसा रेशम गैर शहतूती रेशम के अलग अलग प्रकार हैं। इनमें से कोसा रेशम मजबूत होने के कारण ज्यादा पसंद किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। दीदी, भेड़ों की तरह इन कीड़ों को भी पाला जाता है क्या? हाँ खोजी, किसान पेड़ों पर रेशम के कीड़ों को पालते हैं और इसे रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहते हैं। वो इन्हें कैसे पालते हैं दीदी? बच्चों, नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे दे देती है। किसान इन अंडों को कागज या कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा कर लेते हैं और कीट पालने वालों को बेच देते हैं। वे अंडों को कीट पालक ग्रह में उचित ताप और नमी में रखते हैं ताकि अंडों से अधिक लार्वा निकल आए। लार्वा, वो क्या होता है दीदी? अंडों में से निकले छोटे सफेद रेशम के कीट ही लार्वा या इल्ली कहलाते हैं बच्चों। अंग्रेजी में इन्हें कैटरपिलर कहते हैं। एक बांस की ट्रे में शहतूत की पत्तियां बिछाकर उनके ऊपर लार्वा को रख दिया जाता है। लार्वा उन पत्तियों को खाकर बड़े तथा मोटे हो जाते हैं। समय समय पर ट्रे की सफाई करके नई पत्तियां उसमें रखी जाती हैं। फिर क्या होता है दीदी? फिर ये लार्वा कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में से बाहर आने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में रैक या टहनियां रख दी जाती हैं, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कीड़े कोकून बनाते कैसे हैं दीदी? बच्चों, लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है। दीदी, ये ग्रंथि क्या होती है? सवाली, ग्रंथि एक विशेष अंग होता है जिससे कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं। रेशम कीट में भी ऐसा ही अंग होता है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से एक महीन लसदार पदार्थ निकलता है। ये पदार्थ प्रोटीन युक्त होता है। इस पदार्थ का क्या उपयोग होता है दीदी? सवाली, लार्वा 8 अंक के आकार में गति करके अपने शरीर के चारों ओर इस पदार्थ का जाल बुन लेता है। सूखने के बाद ये पदार्थ रेशम के रेशे में बदल जाता है। जल्दी ही लार्वा पूरी तरह अपने शरीर को इस पदार्थ से ढक लेता है और प्यूपा में बदल जाता है। फिर उस सफेद गोल संरचना का निर्माण होता है जो हमने पेड़ पर देखी थी, याद है, जिसे कोकून कहते हैं। वो कीट कोकून के अंदर ही रह जाता है दीदी? हाँ खोजी, प्यूपा कोकून के भीतर ही व्यस्क होते हैं और फिर कोकून के रेशों को काट कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद रेशम कीट का पुनः वही जीवन चक्र शुरू हो जाता है। इस जीवन चक्र को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। कोकून से रेशम का धागा कैसे प्राप्त होता है दीदी? इसके लिए व्यस्क कीट बनने से पहले ही कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें 10 से 15 मिनट तक पानी में उबाला जाता है। उबालने से रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ पानी में घुल जाता है और रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता का रेशम प्राप्त करने के लिए कोकूनों को कीट के व्यस्क होने से पहले ही इकट्ठा कर लिया जाता है। वो क्यों दीदी? क्योंकि यदि कीट कोकून को काट कर बाहर निकल जाए तो उस कटे हुए कोकून से प्राप्त रेशे अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते। रेशों के बाद रेशम का धागा कैसे बनता है दीदी? बच्चों, कोकून से प्राप्त रेशों से धागा बनाने के लिए 4 से 8 रेशों को एक साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। ये विशेष मशीनों की सहायता से की जाती है। पता है बच्चों, एक कोकून से 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा धागा निकलता है। ओह, उसके बाद रंगाई भी होती होगी ना दीदी? हाँ खोजी, धागों की सुंदर रंगों में रंगाई की जाती है और फिर बुनकरों द्वारा रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। फिर ये वस्त्र हमारे द्वारा पहने जाते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, हम दैनिक जीवन में जिन जंतु रेशों का उपयोग करते हैं,
उनमें प्रमुख रूप से भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन और रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे हैं। रेशम से कौन कौन से वस्त्र बनते हैं दीदी? बच्चों, रेशम के धागों से साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। ये वस्त्र आरामदायक होते हैं और किसी भी मौसम में पहने जा सकते हैं। इन वस्त्रों के अलावा पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े और ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके भी रेशम से बनाए जाते हैं। तो पता चला रेशम से क्या क्या बनता है? हाँ दीदी, और ये भी पता चल गया कि रेशम का धागा बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी और अनोखी है। अब तो तुम सबको ये प्रक्रिया पता चल गई ना, और समझ भी आ गई होगी। हाँ दीदी, हम सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। बहुत अच्छे बच्चों, अब तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो ना फिर? हाँ संपर्क दीदी, पूछिए। सबसे पहले ये बताओ, रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कौन से देश में होता है? चीन में होता है दीदी। और दीदी, रेशम का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। शाबाश बच्चों। अच्छा अब ये बताओ कि रेशम के कीड़े कोकून कैसे बनाते हैं? दीदी, लार्वा रेशम ग्रंथि से निकलने वाले प्रोटीन युक्त पदार्थ से कोकून बनाते हैं। हाँ सवाली, इस पदार्थ को लार्वा अपने चारों ओर 8 अंक के आकार में लपेटते रहते हैं। ये पदार्थ बाद में सूखकर रेशे में बदल जाता है और फिर निर्माण होता है गोल कोकून का। अच्छा अब ये बताओ कि वस्त्रों के अलावा और किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं को बनाने के लिए रेशम के धागे का उपयोग होता है? पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े और ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके दीदी। शाबाश बच्चों। अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।